हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी हो चुका है आयुष्मान को स्कूल से लाने का टाइम, तो अभी मैं जा रही हूँ। डॉली लवली भी आ चुकी है और उसके ही फ़ोन में वीडियो बना रही हूँ मैं, क्योंकि मेरा फ़ोन भर चुका है। तो अभी जा रही हूँ आयुष्मान को लाने के लिए। डॉली लवली दोनों पढ़ाई करने बैठ गए हैं क्योंकि दोनों का एग्ज़ाम स्टार्ट है ना। लवली अपना एग्ज़ाम दे के आ चुकी है, आयुष्मान का स्कूल छोड़ गया होगा। मैं जाती लेके आती हूँ उसको। फ़ोन मेरा बज रहा, पता नहीं किसका फ़ोन है, देख लेती हूँ। यहाँ पर मैंने ड्रेस ऐसे लगा के रख दिया था, मैंने लगा के रखा कि किसने लगा के रखा पता नहीं। पूरा वायर जल गया है, सब चिपक गया है। टीवी भी अपने आप बंद हो गई लग रहा है। टीवी भी ख़राब हो गया और ये भी ख़राब हो गया, इसका वायर तो पूरा जल गया, सब जल रहा है, गर्म हो गया है। कभी कभी से दिमाग ख़राब होता है ना, कुछ भी उल्टा पुल्टा कर देती हूँ मैं। तो मैं वीडियो बना रही थी ना, चट चट करके दो बार आवाज़ आया, सुना मैंने। क्या करूँ, टीवी भी ख़राब हो गया। आ जाओ तो मेरे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, अजय को जान ले लेंगे मेरी। क्या करूँ, जाना है आयुष्मान को लाने के लिए। जाती हूँ आयुष्मान को लेकर आती हूँ। मुझे नहीं पता था, जाती आयुष्मान को लेकर आती पहले। कुछ ना कुछ गड़बड़ होते रहता है मुझसे, हमेशा गड़बड़ करती हूँ। सुबह सुबह लवली स्त्री की थी, उसको ये बंद करने नहीं हुआ। लवली स्त्री की थी वो गई, उसके बाद में मैंने इसको सब उठा के रखा अच्छे से, और प्रेस भी मैंने उठा के रखा। तो फिर से ऑन की थी, तो पता नहीं कब टीवी ऑन किया और उसमें लगा हुआ था, यहाँ पर ऑन हो गया। अब टीवी भी खराब। तो पहले आयुष्मान को लेकर फिर बात करेंगे, इतनी तो लेट हो जाएगा उसको लाने के लिए भी। सब कुछ आप लोगों को बताती हूँ तो सोचा ये भी बता दूँ। अब जाती पहले आयुष्मान को लेकर आती हूँ, ऐसे बहुत बड़ा नुकसान हो गया मेरा। आयुष्मान को स्कूल से ले लिया है मैंने, और सामने बिल्डिंग उस दिन दिखाया था ना मैंने, कुछ तो हो रहा है, शादी शादी आदि कुछ हो रही है इसमें। आयुष्मान स्कूल से एयरपोर्ट लेके निकली नहीं हूँ मैं, नहीं टेंशन में कहाँ लेके आया। लो ढक्कन है, ढक्कन है। गणपति बप्पा माता रानी, आज कितना बड़ा नुकसान हो गया पता है? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में? कितने अच्छा, आज बहुत नुकसान हो गया। कुछ नहीं बोलूँगी, जा रही हूँ। आप कभी ध्यान नहीं रखते हो मेरा। तो अभी मैं बच गई क्योंकि टीवी चालू है। मैं स्कूल जा रही थी आयुष्मान को लाने के लिए, तो मैंने अजय को कॉल कर दिया कि मेरे से गलती हो गई है। क्योंकि जब मुझे गलती होती है ना, किसी से भी गलती होती है, तो फिर अंदर अंदर गिल्टी जैसा फील होता है। तो मैंने अजय को कॉल कर दिया, तो अजय ने टीवी वाले को भेज दिया था, टीवी बनाने वाले को। वो आए अभी, उन्होंने चेक किया तो टीवी चालू थी। एक्चुअली क्या हो गया, जब ये आयरन जब भी जल गया, आयरन नहीं जला, आयरन वायर के ऊपर गिर गया, तो वायर जल गया जिसकी वजह से उसमें से आवाज़ आई और शायद शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। तो यहाँ पर ये जो बटन है ये अपने आप नीचे गिर गया और लाइट बंद हो गई सब, जिसकी वजह से टीवी बच गई। भगवान जी थैंक यू। सुबह आते हुए ऊपर आते हुए मैंने माता रानी को बोल दिया कि बहुत गलत कर रहे हो आप मेरे साथ में, तो माता रानी ने बचा लिया। तो अभी टीवी तो चालू है लेकिन एक्सटेंशन बोर्ड जल गया पूरी तरह, मतलब बोर्ड पूरा नहीं जला है। उन्होंने बोला है कि इसको थोड़ा चिपका देंगे, बच गए हम लोग, वही बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अभी थोड़ा इस बात की खुशी मनाती हूँ कि खुशी तो मैं मना नहीं सकती, फिर भी थोड़ी सी खुशी मनाती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ, वीडियो भी अपलोड करना है। वीडियो एडिट कर रही थी, एडिट करते करते ही सब कुछ ये ऐसा हुआ है। मैं एडिट पे एडिट करने के लिए बैठी हुई थी और इधर पीछे ये जल रहा था। अभी एडिट कर रही थी फटाफट, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो अभी मेरे टकलू महाराज सो गए हैं। पंखा चालू कर दो बेटू, देखो मच्छर काट रहे हैं बहुत सारे मेरे बच्चे को। ये ऐसे क्यों दिख रहा है, ऐसे लाइन लाइन क्यों दिख रहा था इसमें?
फोन में ऐसे हो रहा था ना, तो लाइन लाइन दिख रहा था। तो देखो मच्छर आ रहे हैं मेरे बच्चे के पास, भगाओ जरा मच्छर, पंखा चालू करो। बिना खाए सो गया है आज, खाना भी नहीं खाया है। सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ, दीदी ने फैन चालू कर दिया, सो जाओ। बहुत मस्त दिखा रहा है बिग बॉस। किसके झगड़े किसके लड़ लफड़े सब चालू है। और ये बात शालीन को भी पता है। She's 20 years younger to me. इतनी कौन सी हरी होती है कि टीना को 5 मिनट नहीं देनी बात करने के लिए? नहीं शालीन। तो अभी इधर से तो क्लियर नहीं आ रहा है। तो अभी बिग बॉस का शो हम लोग ने देख लिया है, रिपीट चालू हो गया है, टीवी बंद नहीं किया हमने। कैसा लगा आज का शो? इधर आ, बहुत बढ़िया। आज का बिग बॉस का शो कैसा लगा? मजा आ गया, बहुत टाइम बाद से लगा कि बिग बॉस देख रहे हैं। आज और ऊपर से सलमान का कल वीकेंड का वार, कल अच्छा, कल पता नहीं अच्छा होगा कि नहीं होगा, पर आज अच्छा हो गया है, आज अच्छा बहुत दिखाया है। पर शालिन और शिव दोनों को झगड़ा नहीं करना चाहिए, दोनों मेरे फेवरेट्स हैं। उनको तो कोई नहीं पसंद, सब पागल है, जो पागल लोग रहते वही बिग बॉस में आते हैं। तो मुझे पागल लोग बहुत पसंद है, मैं तो इतने कितने चार पागलों को झेल रही हूँ, चार पागल लोग को संभालना क्या खाने का काम है। मैं हूँ क्या, खतरों के खिलाड़ी, मैं हूँ खतरों के खिलाड़ी और ये सारे मेरे खतरे हैं। मैं रोज खतरों से खेलती हूँ। मैं रोज खतरों से खेलती हूँ इसलिए मुझे खतरों के शो बहुत अच्छे लगते हैं, खतरों के खिलाड़ी वगैरह सब देखती हूँ मैं। मेरे बच्चा सो गया आयुष्मान यहाँ पे।